एक महिला सुबह सुबह उठती है, उठने के बाद उसका जो डेली का रूटीन था उससे निपटाती है, अपने जो सुबह के उसके काम थे उन कामों को निपटाती है, और निपटाने के बाद एक कप चाय लेके अपने घर के सामने, अपने घर के बाहर, चूंकि ठंडी का महीना था, नवंबर का महीना था, तो धूप को सेकने के लिए कुर्सी लगा के बैठ जाती है। अब जब महिला कुर्सी लगा के बैठती है तो नोटिस करती है कि बहुत तेज बदबू कहीं से आ रही है, और बदबू इतनी ज़्यादा तेज है कि एक तरह से सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। अब महिला जब बदबू का पता लगाती है कि बदबू आ कहाँ से रही, तो महिला जानती है, उसे पता लगता है कि ये बदबू तो उसके ही घर से, ऊपर जो किराएदार रह रहे हैं उन्हीं के कमरे से, उन्हीं के किचन से आ रही है। अब महिला को थोड़ी हैरानी होती है और महिला ऊपर जाती है चेक करने के लिए कि बदबू किस चीज़ की है। तो चेक करने के बाद, काफ़ी मशक्कत के बाद, जब महिला दरवाज़ा खुलवाती है तो अंदर का जो नज़ारा था उसे देखने के बाद महिला की नचाहते हुए भी चीख निकल जाती है। दरअसल उस कमरे में, उस घर में, एक आदमी का सर काट के उसी की मेज पे रखा हुआ था, और एक बगल में, एक बर्तन में, एक पतीले में, एक हाथ पांव आदमी का काट के उसका कोरमा बनाया जा रहा था, और ये बदबू उसी कोरमे की थी। अब ये महिला जब ये नज़ारा देखती है, उसकी चीख निकलती है, आसपास के लोग आते हैं, साथ ही पुलिस को फोन जाता है, पुलिस आती है। तो इसके बाद जो कुछ खुलासा होता है, जो चीज़ें निकल के सामने आती हैं, शायद ऐसा वाक्या, ऐसी चीज आपने इससे पहले नहीं सुनी होगी। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह, आज मैं जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी को जब आप सुनेंगे, इस कहानी के बारे में, सच्ची घटना के बारे में आप जानेंगे, तो सच कहूँ तो इसमें खून तो एक आदमी का हुआ था, कत्ल एक आदमी का हुआ था, वो भी बहुत दरिंदगी पूर्ण तरीके से, लेकिन इस कत्ल से पहले ही कई रिश्ते, कई नातों का खून हो जाता है। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर, लेकिन कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, छोटा सा निवेदन, कि अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक कोई सुझाव, एक कोई सजेशन, अगर वीडियो आपको मेरी अच्छी लगती हो तो एक प्यारा सा कमेंट आप मेरे नाम पे कर लीजिएगा। क्योंकि जब आप एक लाइक कर देते हैं, एक सब्सक्राइब कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, तो आप अपने तरीके से, अपने तरफ से मुझे एक ग्लास ग्लूकोज दे देते हैं कल की मेहनत के लिए, कल और अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाने के लिए, और ऐसी ही कहानी आपको डेली सुनाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आज इस वीडियो के लास्ट में कुछ ज़रूरी बात भी आपको बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा भी देखिएगा। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 24 नवंबर साल 2011, पाकिस्तान के कराची में एक शहर है शाह फैसल, वहाँ के घर में, दो मंजिला घर था, ग्रीन सिटी नाम था उस घर का। उस घर के जो मालिक थे और उनकी वाइफ वह जैद, वो उठती हैं और उठने के बाद अपने सुबह के सारे कामों को निपटाती हैं। नवंबर का महीना, ठंडी का महीना, थोड़ा लेट से भी उठती हैं। उठने के बाद अपने काम को निपटाती हैं, अपने हस्बैंड को चाय ले देती हैं, और चाय देने के बाद अपना एक कप चाय लेके घर के सामने कुर्सी लगा के बैठ जाती हैं। अब इधर 9:30 का वक्त था। अब जैसे वो बैठती हैं और धूप सेकने की कोशिश करती हैं, तो उन्हें एक बड़ी तेज अजीब सी बदबू आ रही थी, और ऐसी बदबू उन्होंने इससे पहले कभी महसूस नहीं की थी कि बदबू है किस चीज़ की। यानी बड़ी उलझन होती है कि बदबू इतनी तेज बदबू कहीं पास से ही आ रही है और किस चीज़ की बदबू है। कुछ देर तक वो इग्नोर करती हैं, लेकिन जब बर्दाश्त की सीमा उनके पार जाती है, बदबू इतनी तेज थी कि उनसे बर्दाश्त नहीं होता, तो इसके बाद वो चेक करती हैं कि ये बदबू आ कहाँ से रही है। चेक करने के बाद जो चीज़ सामने आती है वो भी उनके लिए बेहद हैरानी करने वाली बात थी, बेहद चौंकाने वाली बात थी। चूँकि वो बदबू उन्हीं के घर के ऊपर, जो उनके किराएदार रह रहे थे अहमद अब्बास, उन्हीं के कमरे से आ रही थी। अब इससे पहले ऐसी कोई बदबू, ऐसी कोई चीज़ अब्बास के कमरे से आई नहीं थी, तो महिला काफ़ी हैरान होती है, उसे लगता है क्या हो गया। महिला सीढ़ियों से फौरन ऊपर जाती है, और ऊपर जाने के बाद अब्बास का दरवाज़ा खटखटाती है। अब अब्बास का दरवाज़ा जब पीटती है, कुछ देर तक कोई आवाज़ नहीं आती, तो महिला को लगता है कि शायद अब्बास सो रहा है। तो वो महिला जो बहजैद थी, उसकी वाइफ, अब्बास की वाइफ, जिसका नाम जैनब बीबी था, जैनब का नाम ले लेके पुकारने लगती है। अब कुछ देर तक दरवाज़ा पीटती है, जैनब जैनब बोलती है, जैनब भी दरवाज़ा नहीं खोलती, इधर अब्बास भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, और जो बदबू है वो काफ़ी तेज हो रही है, और अंदर से कुछ खौलने की, किसी बर्तन में कुछ शायद उबल रहा था, ऐसी आवाज़ दरवाजे तक आ रही है। तो महिला को लगता है कि हो ना हो कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अब महिला जबरदस्ती करती है, कहती दरवाज़ा खोलो, नहीं तो हम आसपास के लोगों को बुला के दरवाज़ा तोड़वा देंगे। ये सारी चीज़ें कहने के बाद जो अब्बास की वाइफ थी जैनब, वो दरवाज़ा खोलती है,
भीगे हालत में, और बताती है कि भाभी मैं तो नहा रही थी और इसीलिए दरवाज़ा खोलने में लेट हो गया। तो महिला कहती है, जो बहजैत थी, वो कहती है कि ये किस तरह की बदबू तुम्हारे घर से आ रही है। तो जो जैनब है वो कहती है कि कौन सी बदबू भाभी, बस ऐसे ही कोरमा बना रहे हैं, शायद वो मांस खराब हो गया है। अब इधर ये बात चल ही रही थी, जैनब समझा रही थी कि शायद कोरमा का जो मीट है वो खराब हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। तभी जो वो मकान मालकिन ऊपर गई थी, उसकी जो निगाह है वो पास के ही रखे टेबल पे पड़ जाती है, और टेबल पे पड़ने के बाद उस महिला की नचाहते हुए भी चीख निकल जाती है। दरअसल उस टेबल पे इसी घर के जो किराएदार था, जो जिसकी वाइफ थी जैनब, अहमद अब्बास, उसका सर काट के मेज पे एक प्लेट में रखा हुआ था। अब ये नज़ारा, ये मंजर देखने के बाद उसकी नचाहते हुए चीख निकलती है और वो वहाँ से भाग के नीचे आती है। और चीख इतनी तेज थी, इतनी जोर की चीख थी कि आसपास के जो लोग थे और इस महिला का जो हस्बैंड था, ये सारे लोग भी इकट्ठा हो जाते। एक तो बदबू से वो लोग परेशान थे। अब इस महिला से पूछते हैं कि क्या हुआ, तो ये महिला सारा वाक्य बताती कि कैसे ऊपर गई, ऊपर जो अब्बास है उसका सर काट के रखा हुआ है और ऐसी सारी बदबू आ रही है, सारी चीज़ें। अब इसके बाद पुलिस को फ़ोन किया जाता है, कराची पुलिस को फ़ोन जाता है, पुलिस आती है। अब पुलिस के साथ लोग ऊपर जाते हैं, तो ऊपर जाने के बाद जो नज़ारा देखने को मिला था, वो नज़ारा देखने के बाद पाकिस्तान की जो पुलिस थी, आज भी ये वाक़या जब वो सुनती है तो एक तरह से उसके अंदर एक सिहरन अभी भी पैदा हो जाती है। जो भी ऑफिसर हैं, जो आज भी इसका इंटरव्यू देते हैं, तो आज भी वो बताते हैं कि ऐसा नज़ारा उन्होंने इससे पहले नहीं देखा था। वो देखते हैं कि अंदर एक मेज़ पे उस आदमी का सर रखा हुआ है और एक बड़े से पतीले में एक आदमी के हाथ को, जाहिर सी बात है इसी अब्बास अहमद का हाथ था और पैर था, एक आदमी के हाथ पैर को, अब्बास के हाथ पैर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के, लगभग 50-60 टुकड़ों में काट के उसका कोरमा बनाया जा रहा था, और अंदर 3 लोग मौजूद थे, 2 लोग, माफ कीजिएगा, 2 लोग। अब पुलिस आनन फानन में जाती है, उस आग को बुझाती है, बॉडी को कब्जे में लेती है, और इस वाइफ को, जैनब को, और एक आदमी जो और वहाँ पे मौजूद था, जहीर को, दोनों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके थाने लेके जाती है। अब ये न बात, ये वाक्या जब मीडिया में आता है, लोकल मीडिया से इंटरनेशनल मीडिया में जाता है, पूरे देश में फैलता है, देश के साथ पूरे विदेश में फैलता है, और मेरी जानकारी के हिसाब से शायद ही पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई मीडिया हो जिसने इस घटना को कवर ना किया, जिसने इस घटना को तवज्जो ना दिया। जब ये बात पूरी मीडिया में फैलती है तो पाकिस्तान समेत सारे देश के लोगों के जुबान पे एक ही सवाल था, पूरी दुनिया के लोगों के, कि आखिर इस महिला ने अपने पति को इस तरह से काटा क्यों, मारा क्यों, इसका कोरमा क्यों बना रही है। अब इस महिला से काफ़ी देर तक पूछताछ की जाती है, और पूछताछ के दौरान वहाँ पे एक न्यूज़ चैनल था, ARI न्यूज़, ये पाकिस्तान का बड़ा फेमस न्यूज़ है, खासकर कराची के इलाके में। उसके सामने महिला जो बातें कबूलती है, इस बात को जानने के बाद शायद आपके भी रिश्ते नातों से भरोसा एक तरह से उठ जाएगा आज, जो घटना ये महिला बताती है और रोते रोते बताती है। दरअसल इस महिला की अब्बास से शादी साल 2006 में, यानी इस घटना के 5 साल पहले, साल 2006 में हुई थी। और जब अब्बास से शादी होती है, इस शादी का वाक्या भी बड़ा हैरान करने वाला था। अब्बास से पहले भी इस महिला की एक दूसरे आदमी से शादी हुई थी, और इससे एक बेटी थी, सानिया, सोनिया। अब सोनिया जब 17 महीने की हुई, तैसे ही उस आदमी का निधन हो गया, उस आदमी का देहांत हो गया। अब माँ के पास इस बच्ची की जिम्मेदारी अकेले आ जाती है, और पाकिस्तान की हालात आपको भी पता है कि वहाँ पे पैसे की कितनी कमी है, कितनी गरीबी है। तो इस महिला पे, जैनब पे, अपनी 17 महीने की बच्ची को पालने की जिम्मेदारी आती है। जैसे तैसे करके अपनी बच्ची का पेट पालती है, उसे पढ़ाती लिखाती है, और एक ट्यूशन, एक आदमी से ट्यूशन लगवा देती है। और वो ट्यूशन जो लगवाया था वो यही अहमद अब्बास था, जो ऐसे तो सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा था, और खाली समय मिलने पे इस महिला को ट्यूशन, इस महिला की बच्ची को, सोनिया को, ट्यूशन भी पढ़ा रहा था। अब घर पे आके ट्यूशन पढ़ाता, कुछ देर बैठा रहता, दोनों में बात होती, सोनिया में, अब्बास में, बात होते होते धीरे धीरे दोस्ती हो गई, और दोस्ती प्यार में बदल गई। अब प्यार में बदलने के बाद साल 2006 में, जब बच्ची लगभग मान के चलिए 8-9 साल की हो गई थी सोनिया, तब तक ये कोचिंग पढ़ा रहा था। तो साल 2006 में दोनों को लगता है, सोनिया को और अब्बास को, कि अब हम दोनों को निकाह कर लेना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए।
अब दोनों ये बात जब अपने घर वालों को बताते हैं तो घर वाले शादी के खिलाफ होते हैं, फिर भी ये दोनों जिद करके शादी कर लेते हैं। शादी होती है, सोनिया को भी बाप का प्यार मिल जाता है, अबू का प्यार मिल जाता है। इधर एक बेसहारा लड़की को, बेसहारा महिला को एक पति का साथ मिल जाता है, वो भी उसके पसंद का पति। सारी चीज़ें बड़ी सही सही चल रही थी, बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, घर में खुशी थी, खुशहाली थी। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो सोनिया बड़ी होती जाती है। जब शादी हुई थी 2006 में तो मान के चलिए 7-8 साल की थी सोनिया, लेकिन 2011 आते आते जो सोनिया थी वो 14-15 साल की हो जाती है। अब जब सोनिया बड़ी होती है, सोनिया बेहद खूबसूरत, तो जिसका सौतेला बाप है अब्बास, उसकी निगाह गंदी हो सी जाती है उसके ऊपर। अब आमतौर पे तो ये नॉर्मल रहता, लेकिन जैसे ही ये ड्रिंक करके घर आता तो अपनी बेटी को, सोनिया को, गलत तरीके से छूने की कोशिश करता, गलत हरकत करने की कोशिश करता। शुरू में सोनिया ने इग्नोर किया, लेकिन जब इसकी हरकत बढ़ती गई और सोनिया भी धीरे धीरे समझदार होती गई, तो इसने इस घटना के बारे में अपनी माँ को, जैनब को बताया कि अब्बू जो है मुझे गलत तरीके से छूते हैं या गलत काम करने की कोशिश करते हैं। अब ये सारी बात जब सोनिया अपनी माँ को बताती है तो एक तरह से माँ के पैर तले जमीन खिसक जाती है कि जिस आदमी को मैंने इस बच्ची के सहारे के लिए निकाह किया, शादी की, आज वही इस बच्ची की इज्जत का दुश्मन हो गया है। अब ये बात जब माँ सुनती है तो माँ अहमद के पास जाती है, अब्बास के पास जाती है और जाके उससे कहती है, पूछती है, तो अब्बास सीधा सीधा मुकर जाता है। फिर दूसरी बार ये हरकत करता है, फिर बताती है, फिर वो पूछती है, फिर ही मुकरता है। फिर कई बार ये खुद नोटिस करती है कि अब्बास ड्रिंक करके जब भी घर आता है तो गलत तरीके से सच में अपनी बच्ची को, अपनी सौतेली बेटी को छूने की, उसे टच करने की, उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। अब ये घटना जब जैनब अपनी आंखों से देखती है तो धीरे धीरे इन दोनों में जो लव मैरिज था वो गड़बड़ होने लगता है, दोनों में कहासुनी होने लगती है, और कहासुनी कई बार हाथापाई में बदल गई, मारपीट में बदल गई। और 23 नवंबर 2011 को ऐसे ही जब ये ड्रिंक करके आता है, ड्रिंक करके आने के बाद अपनी बेटी को छूने की कोशिश करता है, तो इसी दौरान जब जैनब विरोध करती है तो ये आदमी कहता है, अब्बास कहता है कि अब मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ, और तुम्हें तलाक देने के बाद अब मैं सोनिया से शादी करूँगा, अपनी सौतेली बेटी से। इसके बाद वो तलाक 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 बोलता है, अपनी वाइफ को तलाक देता है और कहता है कि अब 1-2 दिन में मैं सोनिया से निकाह करूँगा। अब एक तरह से जैनब के पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि अच्छी खासी दुनिया ये कैसे उजड़ गई, क्योंकि इस्लाम में ट्रिपल तलाक का बहुत महत्व होता है। अगर तलाक 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 बोल दिया तो वाइफ को मानना पड़ेगा। तो तलाक देने के बाद अब जब इसे लगता है कि अब ये मेरी बच्ची से, मेरी फूल सी बच्ची से शादी करेगा, उसकी ज़िंदगी ख़राब करेगा, तो इसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलने लगता है कि कैसे इस मुसीबत से पीछा छुड़ाया जाए, कैसे इस मामले से निजात पाया जाए। तभी ये सारी चीज़ें हो ही रही थी कि जो जैनब का भांजा है जहीर, वो भी आया था। ये सारा वाक्य, ये सारी चीज़ें वो जहीर को भी बताती है और कहती है कि ऐसे ऐसे हो गया, मुझे तलाक दे दिया गया, अब ये मेरी तुम्हारी बहन से, तुम्हारी सौतेली बहन सोनिया से शादी करेगा और उसकी भी ज़िंदगी ख़राब कर देगा, अब हमें ही कुछ इसके बारे में करना होगा। अब ये दोनों पूरी रात बैठ के सोचते हैं और सोचने के बाद इनके दिमाग में बेहद खौफनाक, बेहद दरिंदगी भरा आइडिया आता है। ये सोचते हैं कि अब इस मामले से निजात पाने का एक ही तरीका है, क्योंकि उन्हें अब्बास को अब इस दुनिया से, इस रास्ते से हटा ही दिया जाए, ना रहेगा अब्बास, ना कोई ऐसी बात होगी। इसके बाद सुबह होती है, सुबह सुबह जो जैनब है ये मेडिकल स्टोर जाती है, नींद की दवा लाती है, चाय बनाती है, और चाय बनाने के बाद नींद की जो दवा है उसे चाय में 5 गोली मिला देती है, और मिलाने के बाद अब्बास को पीने के लिए देती है। अब अब्बास चाय पीता है, चाय पीने के बाद उसे नींद की झपकियाँ आने लगती हैं। इसके बाद भी जो जैनब है इसे भरोसा नहीं होता कि 5 गोलियाँ नींद की काम करेंगी या नहीं, इस वजह से फिर मेडिकल स्टोर जाती है, फिर 5-6 गोलियाँ लाती है और दोबारा चाय में मिला के फिर दे देती है। अब यानी एक आदमी को 10 गोली नींद की दे जा चुकी है। अब खुद यहाँ सोच के देखिए इस आदमी की हालत क्या रही होगी। अब इसके बाद वो आदमी एकदम मरणासन्न हालत में, मरने की अवस्था में वैसे ही पहुँच चुका था। उसके बाद ये दोनों रस्सी से हाथ पांव बांध के उसका गला कस के घोटते हैं, और तब तक रस्सी से उसका गला कसते हैं, एक साइड से ये खींचता है, एक साइड से जैनब खींचती है। लगभग 7-8 मिनट खींचने के बाद अब्बास की मौत हो जाती है। अब अब्बास मर गया,
और जब ये होश में आते हैं एक तरह से, मारने का जो जुनून था, जो धुन थी इनके सर से उतरती है, तब अब इनके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि अब कैसे भी करके इस मामले को सुलझाया जाए, इस लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। उसके बाद जैनब बाहर जाती है जहीर के साथ, एक इसके दिमाग में आता है कि एक बड़ा सा बॉक्स लेंगे, इसमें इसको पैक करेंगे और पैक करने के बाद कहीं जाके फेंक देंगे। अब बाहर जाते हैं बॉक्स लेने, बॉक्स इन्हें नहीं मिलता, तो फिर इनके दिमाग में आता है कि अगर चलो मान लो बॉक्स मिल भी गया और इसको हम बॉक्स में पैक करेंगे, तो हम दोनों कैसे इस चीज़ को फेंकेंगे और कैसे घटना को फेंकें, कोई देखे नहीं, लाश को कैसे ठिकाने लगाएं। तब यहीं से एक बेहद खौफनाक, बेहद दरिंदगी भरा, शायद कोई इंसान ये चीज़ नहीं कर पाएगा, ऐसा आइडिया इनके दिमाग में आता है। ये जो जहीर है अपने एक दोस्त को, जो कि एक कसाई था, कुरैसी था, कसाई था, और मांस ये सारी चीज़ें काटने में बड़ा महारत हासिल था, क्योंकि पुलिस इनसे पूछ भी रही थी कि जिस हिसाब से बॉडी को काटा गया है, ये एक आदमी के, एक आम आदमी के बस का नहीं, जिस सफाई से काटा गया। तो उसके बाद ये बताते हैं कि जब इन्हें बॉक्स नहीं मिला, तो जो जहीर है अपने दोस्त रजब को, जो एक कसाई था, उसको फ़ोन करता है। अब इसके बाद उधर रजब घर आता है, ये लोग ये बाजार से बड़े बड़े चाकू, बड़े बड़े उस तरह के हथियार जिससे कसाई मीट को काटता है, ऐसे हथियार को खरीद के रजब को सारी बात बताते हैं और वो हथियार देते हैं। अब रजब एक तरह से इनके गर्दन को काट के अलग करता है, उसके बाद हाथ को और पैर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है, और काटने के बाद बाकी जो धड़ का हिस्सा है वो एक संदूक में, एक बक्से में छिपा देता है। अब इनका प्लान ये था कि ऐसे ऐसे हम लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में पकाएंगे, कोरमा बनाएंगे और नाली में, गटर में फेंक देंगे, ये कह के कि जिस मांस का कोरमा हम बना रहे हैं वो मांस शायद खराब हो गया है। अब इनके जो लोगों को लग रहा था, जो सारा सवाल था कि इस मांस का कोरमा क्यों बनाया जा रहा था, तो इसका जवाब इन्होंने यही दिया कि इस मांस को हम पहले कोरमा बनाते हैं, और कोरमा बनाने के बाद नाली में ये कह के फेंक देते कि जिस मीट, जिस बकरे का मीट हमने लाया था वो बकरा शायद बीमार था या फिर उसका मांस सड़ गया था। अब ये पूरा वाक्या जब बाहर आता है तो एक तरह से पाकिस्तान के लोगों में पूरी सिहरन पैदा हो जाती है। उसके बाद पुलिस फिर उस घर में जाती है, बॉडी के बाकी पार्ट्स को बरामद करती है, और इस महिला के ऊपर और उन तीनों के ऊपर, चूंकि शुरू में गिरफ्तार जहीर और जैनब ही हुई थी, उसके बाद फिर रजब को भी गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद जहीर और जैनब पे मर्डर का मुकदमा चलाया जाता है, और रजब के ऊपर बॉडी को इस तरह से काटने का मुकदमा चलाया जाता है। और 2-3 साल मुकदमा चलने के बाद साल 2016 में या 15 के लास्ट में जैनब और जहीर को उम्र कैद की सज़ा दे दी जाती है, वहीं रजब को लगभग 5 से 6 साल की उम्र कैद की, 5 से 6 साल जेल में बिताने की सज़ा होती है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, जिसमें एक आदमी अपनी बेटी पे, अपनी सौतेली बेटी पे गंदी नज़र डालता है, उसके बाद उसका जो अंजाम होता है वो भी अपने आप में बेहद मानवता, इंसानियत को झकझोरने वाला है। अब जैसा कि शुरू में मैंने आपसे कहा था कि एक बड़ी ज़रूरी बात आपसे कहनी है, तो भाई ये कोई मेरे अंदर एटीट्यूड या फिर कोई ईगो नहीं है, इस बात को आपको ध्यान से समझिएगा, आपका छोटा भाई हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि आप किसी बड़े यूट्यूबर से कहानियाँ उठाते हैं और वही कहानी आप सुना देते हैं, तो भाई बिल्कुल ऐसा नहीं है। हो सकता है मेरी उनकी कहानियाँ मैच करें, चूँकि चाहे वो शम्स सर हों, चाहे और भी कोई हो, सबके पास अपनी एक बड़ी सी टीम है, कैमरा मैन है, रिसर्च करने वाले एडिटर हैं, लेकिन मुझे सारे काम अकेले करने पड़ते हैं। तो कई बार कोई कहानी मैंने सिलेक्ट की, हो सकता है किसी और ने भी सुनाई हो, क्योंकि हमारा जो पेशा है, हम क्राइम को कवर करते हैं, क्राइम की घटनाओं को आपको सुनाते हैं, तो जाहिर सी बात है कई ऐसी घटनाएं होंगी जो किसी और ने भी बताई होंगी, मैंने भी बताई होंगी। और जैसे एक कहानी थी मैंने सुनाई थी छोटू यादव की, बिहार की बड़ी चर्चित कहानी छोटू यादव और आरती यादव की, उसको सबसे पहले मैंने सुनाई थी, उसके बाद उस्मान सैफी सर ने सुनाई थी, उसके बाद शम सर ने। तब अगर ये मैं कहूँ कि क्या मेरी कहानी को कॉपी किया गया, तो मेरी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि जब जिसके पास जानकारी पहुँचती है आदमी उस कहानी को सुना देता है। और ये बात बोलने का मेरा ये मतलब नहीं कि हम किसी को दिखा रहे हैं किसी के जवाब, बस आपके, और आपका ये सवाल बड़ा जायज़ भी है, अगर आप कोई कहानी सुने हैं, अगर वही मैं सुनाऊंगा तो आपको लगेगा कि आप इसने वहाँ से कॉपी की है, तो ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि वो कहानी मेरे पास देर तक पहुँची, जैसे अभी मैंने एक कहानी आपको सुनाई थी कि एक आदमी है वो इंसानी मांस का बर्गर बना के खिला दिया था बारबेक्यू में। अब मेरी ये कहानी सुनाने के शायद 3-4 हफ्ते बाद या फिर 2 हफ्ते बाद, मान के चलिए,
उस्मान सैफी भी ये कहानी सुनाए थे, तो मैं क्या बोलूँ कि ये कहानी उन्होंने मुझसे कॉपी की, तो मेरी बेवकूफ़ी होगी। उनके पास ये कहानी देर से पहुंची, उन्होंने देर से सुनाई। या फिर कई बार कॉमन इसलिए भी हो जाती है, जैसे कुछ लोग कुछ कहानी की फरमाइश कर देते हैं कि आप ये कहानी सुनाइए, जैसे जैक दरी पर पहले सम सर ने सुनाई, उसके बाद एक भाई ने फरमाइश की कि आप सुनाइए, तो मैंने भी सुनाई, तो इस वजह से वो कॉमन हो गई। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, आपके ही दम पे मैं हूँ, आपकी वजह से ही मैं कहानी सुनाता हूँ, ये सारी चीज़ें करता हूँ। अकेला हूँ तो कई बार ये चीज़ें मैं चेक नहीं कर पाता हूँ कि किसी और ने सुनाई है या नहीं, चूँकि अकेले रिसर्च करना, अकेले लिखना, अकेले बोलना, फिर एडिट करना, थंबनेल बनाना, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें करना, आपके कमेंट्स पढ़ना, कमेंट का रिप्लाई देना, और फिर अगले दिन उसी क्रम में जुड़ जाना। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा समझिए, और जो जिस हिसाब से आपका प्यार मिल रहा है वो, उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।